काय कर रही छे? रोटी वोट खा ली गई? दूर हट रहे यार, बात कर ले अब दे। जो वो जो बोल रहा तो तू बात कर रही भाभी से, मैंने बात कर रहा बात वॉइस कर ले अब दे, फिर बाद में कर ली तो करता रही तुम। पता भी करांगा, चाले कुर्सी नहीं खाऊंगा। खे दीजो आज की तुम बात कर जा। जीजी तो कह दिया सारी कान चारों पाड़ बे। राम राम दोस्तों, आपकी वीडियो बहुत ही शानदार और वीडियो के अंदर बहुत बड़ा आनंद आवाज है। वीडियो ने बीच में स्किप मत कर पकड़ो, वीडियो ने लास्ट टाइम देख पकड़ो, और चैनल वाला नया चाहे तो सब्सक्राइब कर दो, और काई जो घंटाने भी दबा दीजिए जिस काई थाने नई वीडियो मिल जाओगी। ले आओ थाने वीडियो दिखाओ। ले भाई तावड़ा भी सुवार सुवार जोर का पड़बल लगाई की ऐसे फोन में काहे खोद रहा भाई साहब, फट बचल जा, चला फोन वाला लग रहा मैं काहे खोद रहा भाई की सोकन, ये तो दो चार दिन की है छोरिया, कुछ नहीं करेगी, आज दो चॉकलेट तेरे से ले लेगी, तीन चॉकलेट उससे, रोता ढोला कर रोता मैं कर रहा हूँ। चला तू भी समझ, दांत मत काटे तेरे से भी कर रहा हूँ मैं। हाँ चौक माला जा खगा, चौक माला देखा। हाँ आ रही तो एक तस्लो ले यार, एक मिस्त्री से चला, दो समय ढाई समय निकलेगा यहाँ ताता कर, पढ़ लियो चल जाओ करा, चला जा कर लियो चल, फट पर चल जा सीधो, अलग फोड़ दूंगा फट बा, मत ध्यान कौन चलान को, और छोरे बात कर दिया, एक किसी को न्याल नहीं करती है ये लड़कियां, तो आज है आज। हाँ, बात कर पा मुझे मारो फोन। अरे पड़ जा बता, तो अरे काय को देव बार से बात करवे लगा, चला फट जब करो फट, हाँ मारो शामू की ऑर्डर करोगे, मारो शामू तो रात के दो दो बजे तक पड़ता है। तो काका, ओ काका, ओ क्या काका, कहाँ इधर कुड़ाई उड़ाई बलपत, काय कर पा रही थे, पढ़ाई कर रही तू, काय टाइम गो, दो बज का, दो बज का, अरे चोट पड़ता है सो जा, काय पटे सार रहते, बंद कर दे सो जा, ना दो दो बजे तक पटे जा, शी काय के अच्छा मारी थे, ला बहुत जाना पड़ रही थे, समो, समो, ओ भैया, समो, अरे तारे तो आपका मुंडो तो पहले का कल्ला दादा को माने भी सो जा बद माने तो आप पटर लागे छे पूरे भागी है छे पर खोपरी में लागे क्या समझ रहा है तू अना फट का अच्छा पहला क्वेश्चन पानीपत का युद्ध कहां लड़ा गया था पानीपत का युद्ध कादा में लड़ा गया था सैनिकों के पक्ष हट गए थे और दूसरा क्वेश्चन है हल्दीघाटी और मर्तीघाटी का युद्ध कहां रगड़ा गया था भाटा पे रगड़ा गया था तीसरा हाँ परमाणु बम कहां कहां पड़ा था नौकरी ले जाया कौन लागू नौकरी ले जाया कौन दे मैंने याद तो बता कोई याद कौन रे
कौन याद दी कौन तो पचा तक खरी है कैसे करवा तक पर मैं तो फिल्म देखो तो पचा तक कौन फटू रहे नहीं कर ले तो भाई साहब फिल्म देखो तू ना अम्मा खाए करो फिल्म भाई मत को फटू यार जैसा टूट पटक गया मैं कौन फटू जैसा नौकरी को लाऊ मैं कौन फटू मैं लेता याद कर ला यार अब का ये बारह में नवाब का याद करू फिल्म देखो तो मैं याद को है लेता है हेडमास्टर से बात कर ले परीक्षण रद्द करवाते रे अला कोई डीएम दिख रहा हूँ कलेक्टर दिख रहा हूँ तेरे को तू तो सरपंच है तो मामूली सा हूँ गधड़ा मामूली तो बात कर ले काका अगर स्वाद वसु को रे तो पटपा कुछ आज पलो फट बोल रहा क्या आपको है अम्मा काय करो तू दारू बार कर मास्टर से हेडमास्टर से हेडमास्टर काय करो कोई अगर स्वाद वसु खाने पास करवा दो रे पास कर ले पहले फिल्म देख तो अच्छा मिल जाओ तो हेडमास्टर तो संडे चल चल खड़ो खड़ो बात करो आता दस बज के चालीस मिनट गुनु जी कहे कहीं आनंद अजी ठीक साहब ले पानी पियो फिर तो गुनु जी एक बात बताओ फिर ते हाँ जी आपने स्कूल में कतेक बच्चा छे आपने स्कूल में 500 एक बच्चा छे 500 एक बच्चा हाँ जी तो थे पता हो जो कोई मैडम मैडम भी चाप ने जी आप ही पढ़ा लिया था 500 एक बच्चा ने तो हाँ अच्छा ही बात छे क्या कोई मैडम मैडम भी राख बकलो यार चाय पानी पी लो ना चाय पानी कोई जरूरत को ना तो पानी में दबो तो बूट खाएगा ये तो बिस्कुट ही नहीं था बनिया बिस्कुट कुल खुआ चार्ज कर राम राम जी मास्टर जी अजी राम राम सा डॉग दी चाट मास्टर जी तारी चोट पड़ जाई आगा आज तेरा डॉग होगा तलाय लगा जगाई भाई साहब कोई देवता कौन निकल इस हाथ से पग छू अहिया चला पेट में खूब मोटो कर मिलो चुका है बाढ़ का होगा कहीं आपनो खान पीनी है सोचे अच्छा अच्छा चलो बढ़िया ओछन पंचाम छना बस बढ़िया मोटा यार थोड़ा जो काम छ तो गुरी जी सु कया पधार रिया काम छ अपने शाम के एग्जाम लग रही है ना 12 की हां जे सरपंच साहब बोलो ने मताई है खैरियत छ अपने शाम के एग्जाम लगेगी 12 की जब मुको थोड़ा सा पेपर आकर रगस जाता ना तो बढ़िया रहता अजी ये अपना काम नहीं है तो ये आगे से आदेश आते हैं अजमेर से अच्छा अच्छा अजमेर बोर्ड से हाँ जी अच्छा अच्छा वो कहीं चाह अपने शाम फटियो कौन अजी ना तो फिर कहीं का घर खाने ना नहीं चुका तेरा दिन को जाना कहीं काम कर रहे चो जब फट लूंगा ना मैं अच्छा अब फट लूंगा मतलब थोड़ी आगे रगस जाती ना या तो आप पेपर रद्द करवा दो समझो मेरी बात को अच्छा जी या तो पेपर रद्द करवा दो का थोड़ी आगे मतलब 20-35 तारीख की कर लग सके हां ये कम को काम तो था कुछ छन थे खाओगे जे जे जाओ गया यही काम छ बस अब कर लूंगा कि मैं याद अब कर लोगे याद यार अगर सो थोड़ी अब कबड़ी खाओ जी याद जगह तन तो गुरुजी फिर को पढ़ सकेगा पार अजी अब नहीं पढ़ेगी पार को पेपर आगे रख सको नहीं साहब ऐसी तैसी करो आगे क्यों नहीं रखता मेरे को समझाओ देखा हाँ भाई क्यों नहीं रखते
सारी गलती तुम्हारी है तुम्हारी, ये ध्यान लगा लेना। मेरी पास सुनो, मैं भी गांव का सरपंच हूँ। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आपने मेरे को बोलना चाहिए। कौन का मोटा गलत कर रहा हूँ? बस सारे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ कूद रहे हैं। बच्चे स्कूल में आते हैं, लड़का लड़की आते हैं, इसको लड़ाते हैं इस। मास्टर की गलती है, मास्टर की गलती है। तुम आते हो, अरे चाय पीते हो। हाँ मैडम चाय बना लो। ये ऐसा होता है क्या स्कूल के अंदर? आपको ध्यान रखना चाहिए ना, कोई बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई लड़की कहाँ जा रही है। ध्यान रखना चाहिए। तो मैं किस किस का ध्यान रखूंगा? तो ध्यान कभी लड़की के पीछे जाऊं या लड़के के पीछे जाऊं, कहां कहां घूमूंगा मैं? अरे तो घूमना चाहिए आपको, ध्यान रखना चाहिए। भैया छोरी कहां सेट छे, ये छोरो कहां सेट छे, ये कौन का ध्यान मटा? ये ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या है, बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है। आप तो आते हो, चाय पीते हो, चले जाते हो। अब ये समझाओ ये बच्चा क्या करे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है। गाला गुछड़ी करके कुछ भी नहीं पढ़े। हाँ, इसमें गलती आपकी है, आपकी। ये सारी सारी रात लगा रहता है। हेलो जानू क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे मन का ज्ञान, दादा मैडम से बात कर रही हो, गुरु जी से बात कर रही हो, पर मन का ज्ञान ये कुजा छे ने। हाँ? सारा दिन और जा सुबह आओ छे मान लिया ज्ञान कौन ने है ना, बात कर कर फोन ने तुमने पतलो पतंग कर दियो। हाँ पर ये ध्यान लगा लेना गुरु जी, मैं एक गांव का सरपंच हूँ। सरपंच लिख के दे दूंगा, लिख के। ये बच्चे गुरुजी ने बगाड़ दिए सारे बच्चे। साहब मेरे पास तो एक बार भी फोन नहीं आया इनका। अरे फोन नहीं आया तो आपने मेरे को कहना चाहिए ना, भाई तुम्हारा बच्चा बगड़ गया है। हाँ। अब इसको कुछ संभालो, गलत रास्ते जा रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, ये कहना चाहिए ना। गलत रास्ते कट गए, सीधे जाओ, चुपचाप बैठ जा, छाना चुपका। लिख के दे दूंगा मैं, रिटायर करवा दूंगा, रिटायर ध्यान लगा ले। सरपंच साहब अब क्या करें बताओ आप? बतावन कांचा मार तो यहाँ एक है बोचा है। इस बच्चे को क्या है, पास करवा दो। चुपचाप रह तारी चोट का, तो पास करवा दो और कहीं इसका पेपर आगे रख सा दीजिए थोड़ा बहुत। कहा पढ़ पढ़ने गए कौन समझे, ये क्या सारे बच्चे पढ़ने गए? सारे बच्चा पढ़ने गए, सारे सारे ये चक्कर पक्कर में चिन्ह कड़ाचू को रहे, कड़ाचू को रहे। अरे चॉकलेट देते हैं आते थे लानू। मैं पढ़ता था ना मैजिक टाइम, चॉकलेट देती थी लड़कियां और कहती थी कायना मेरा नाम पहले ऐसे था, रोनी फोनी जोनी फोनी, मतलब जो मनमाही जो कह देती थे। पर मैं भी बहुत स्मार्ट था, ये ध्यान लगा लो। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ाई कराओ। अबे पास ओए जानो चाहे मत, ये कहो तन सीधी बात। देखो साहब मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो इनको टिपा सकता हूँ। टिपा सकते हो? बोर्ड पे लिख सकता हूँ तो ये टिप लेंगे। अच्छा कुकर तो बोलू, टिप तो बोलू, खूब बस बोर्ड पर लिखा दूंगा। अच्छा बोर्ड पर लिखवा देगा? हाँ जी। तो मतलब बोर्ड में थे जाओगा, कोई और गुरुजी लिखेगा? मैं ही लिख के आऊंगा। अच्छा अच्छा, फिर तो मैं कर लू। ध्यान लगा ले, मेरी बात सुन ले, मेरी औलाद फेल हो गई ना, फिर जानता है। नहीं जी गुरुजी, सिगरेट पीने। ये भी ध्यान लगा, आप पियो, आप पियो। हाँ पियो, फिर सिगरेट विगरेट तो पी लेंगे अपन ना, पर ये ध्यान लगा लेना। हाँ मैं चलता हूँ फिर। हाँ नाड़ मत लाओ मेरी, सुनो ठीक है, बच्चा पास हो जाना चाहिए। हाँ कौन समझा? सही बात छे, मैं ये कह रही छो ध्यान लगा लेना, गांव का सरपंच हूँ, क्या मर्जी बिटवा दूँ। कौन समझा? हाँ गांव में नाव चलता है मेरा, बहुत सारा सरपंच। कौन समझा? हाँ गुरु जी दम की लगा रही, जरा तू नचे या नॉर्मल ले गो को मारो का है भी, मतलब पास करवा दीजिए थोड़ा, ठीक है? हाँ सही बात है ना गुरु जी। ठीक है जी, ठीक है करवा देंगे। अन्य गुप्त नाम मतो यार गुनु जी, गुप्त नाम मतो, करवा देंगे पास। आप तो बच्चे छन ना, टेंशन मत करो, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ चलो फिर चलता हूँ। हाँ काहे भी टेंशन मत करो, अब बिस्कुट। हाँ गुनु जी के खाओ, गुनु जी को खाओ, गुनु जी कनेच में गया। हाँ एक तो मोहन दे दो अजी, एक तो थे भी खा लो। हाँ खाओ खाओ, थे खा ले, खा नहीं करना, चाना चलो फिर, ठीक है? अच्छा जी है ना, बच्चों का ध्यान नहीं रखा। देखे ना तेरा पिताजी की कितनी चलती है, पर बिखर चला कपड़ा तो गुरु जी का धमकी लगा जाएगी। अपनी तो पूरी उम्र ये दादा रह लिया, फिर मेरा पिताजी रह लिया, मतलब कम से कम अपन को 40 साल हो गए।
पूरा पास हो जाऊंगा यहीं। तू भी सरपंच बने का पंचड़ा डंग कर रहेगा तो। चलो पूर्ण मेंबर तो बना दे कम से कम। अरे मेंबर आए को काहे छे से नहीं तो करना रहता है। चला 1500 रुपए मिले तुम काहे कर रहे हो। बड़ा बड़ा दस मिनट।